और इसी के तहत आदतन बदमाशों के साथ ही संदिग्धों की करीब 1500 से अधिक चेकिंग के साथ ही 800 गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से अधिकांश पुलिस ने 350 से अधिक शराब पीकर वाहन चालकों के भी चालान बनाए हैं। दरअसल इंदौर में लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक जनप्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति ली गई थी और उसी के बाद डीजीपी द्वारा इंदौर पुलिस को उचित दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद करीबन 4 दिनों से लगातार पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्रों से लेकर बाईपास पर संचालित होने वाले पब बार और होटलों पर विशेष चेकिंग कर रही है। यहाँ चेकिंग अभियान देर रात तक संचालित होता है, जिसके तहत शराब पीकर वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। विथलाइजर मशीन के माध्यम से ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बनाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर का कहना है कि इन वाहन चालकों के लाइसेंस के साथ ही आरटीओ विभाग से भी पत्राचार किया जा रहा है, ताकि इनके साथ यदि अधिक बार ड्रिंक एवं ड्राइव के चालान बनाए गए हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर आदतन बदमाशों पर पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है, ताकि शहर में आपराधिक घटनाएं कम की जा सके। देखिए, कॉम्बिंग गश्त हम लोगों ने मात्र शनिवार की रात में की थी, जिसमें वारंटियों को पकड़ा गया था, फरारियों को पकड़ा गया था। अभी जो पिछले 2 दिनों से जो अभियान चल रहा है वो प्योरली जो नशे का जो कल्चर एक बना हुआ है उस पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से हो रहा है। इसमें हम लोग अभी 2 दिनों में लगभग 350 गाड़ियाँ पकड़ चुके हैं जो शराब पी करके जो गाड़ी चला रहे हैं। तो निश्चित ही एक ये बहुत ही ख़राब ट्रेंड अभी बना हुआ है कि शराब पी करके इतनी बड़ी संख्या में लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। इसके लिए हम प्रत्येक अभी हम एक तो इसमें मैं फिर से सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 185 मोटर व्हीकल एक्ट में 34 आबकारी एक्ट से भी ज़्यादा सज़ा है। 185 मोटर व्हीकल एक्ट में 10,000 रुपये मिनिमम सज़ा है, जबकि आप अगर शराब की तस्करी भी कर रहे हो तब भी अगर छोटे स्तर पर अगर आप कर रहे हैं 2-4 बॉटल कर रहे हैं तो उसकी सज़ा इससे काफ़ी कम है, क्योंकि नशे में जो गाड़ी चला रहा है आदमी वो न केवल अपने खुद के जीवन को खतरे में डालता है बल्कि दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल देता है। तो इसीलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम मोटर व्हीकल एक्ट में 185 मोटर व्हीकल एक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ करें। सभी थाना प्रभारियों को इसी बात के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर के कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे कांग्रेस पार्षद रफीक खान, अपने वार्ड में एक भी राशन दुकान नहीं होने की बात कही। कलेक्टर भी हैरान रह गए, 50,000 की आबादी वाले वार्ड में एक राशन दुकान तक नहीं। कलेक्टर ने तुरंत खाद्य विभाग के अधिकारियों को तलब किया और राशन दुकान आवंटित करने के आदेश दिए। इंदौर के घनी आबादी वाले चंदन नगर वैसे तो कई जन समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन एक ये समस्या बड़ी है कि इंदौर जैसे शहर में 50,000 की आबादी वाले एरिया में वार्ड 2 चंदन नगर के रहवासियों को राशन लेने 2 किलोमीटर दूर दूसरे वार्ड में राशन लेने जाना पड़ता है। इसकी शिकायत लेकर क्षेत्रीय पार्षद रफीक खान आज कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर इलिया राजा टी को समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर ने तुरंत खाद्य अधिकारियों को नई दुकान खोलने के आदेश दिए। पार्षद चुनाव में रफीक खान ने अपने वार्ड की जनता से इस मुद्दे पर भी वोट मांगे थे, अब जब जीत गए तो वादा पूरा करने कलेक्टर से मिले और जनता की समस्या कलेक्टर को बताई, जिसका जल्द ही निराकरण होने जा रहा है। 2 मामलों को लेकर मिलने गया था मैं कलेक्टर साहब से आज। एक लगातार 1 वर्ष जब से हम पार्षद बने तब से बराबर मांग कर रहे हैं कि पूरे वार्ड में करीब 50,000 के लोग रहवासी, करीब 50,000 के करीब रहवासी रहते हैं और पूरे वार्ड में एक भी उचित मूल्य राशन की दुकान एक भी नहीं, कंट्रोल एक भी नहीं है। कई लेटर दिए, कई बार जाके मिले, आज मजबूरी में जनसुनवाई में कलेक्टर साहब से मिलना पड़ा कि वहाँ की महिलाएँ 2-2 किलोमीटर दूर जाके अन्य वार्डों में जाके राशन ले रही हैं। शासन के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। अब उस योजना का लाभ लेने के लिए जब सरकार वादे कर रही है वो कि हम गरीबों के लिए
उनके उद्धार के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं किया गया? तो कलेक्टर साहब ने फूड कंट्रोलर को और एरिया इंस्पेक्टर को इनको जवाबदारी दी है और बोला है कि एक महीने के अंदर एक दुकान, तीन दुकान है जबकि वो मंजूर है, तो एक दुकान तो एक महीने के अंदर ही लगाने के लिए वो वादा करा और लिखित में बताया भी आज। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सिक्योरिटी गार्ड द्वारा की गई गोलीकांड मामले में सेन समाज द्वारा पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि न्याय संगत जो भी कार्रवाई होगी वहां की जाएगी। समाज की मांग है कि मकान तोड़ा जाए और पकड़ा गया आरोपी को फांसी भी दी जाए। इंदौर में पिछले दिनों खजराना थाना क्षेत्र स्थित कृष्णबाग कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड राजपाल द्वारा गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। इस कांड में राहुल वर्मा और विमल आमचे नामक जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं करीबन 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने राजपाल और उसके बेटे सुधीर सहित एक अन्य उसके साड़ू भाई के लड़के को गिरफ्तार किया था और हत्या सहित विभिन्न धाराओं के प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं आक्रोशी सेंस समाज द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों पर इकट्ठा होकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। समाज द्वारा कहा गया कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए, तो वहीं उनके मकान को भी तोड़ा जाए। इसी के साथ उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो नहीं है सर, पिछले दिनों एक मर्डर हुआ था खजराना थाना खजराना में, जो एक मर्डर हुआ था इसमें 2 लोगों की डेथ हुई थी। पुलिस ने इसमें 302 और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है, आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर के सेन समाज के कुछ जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के जो एक मांग को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए थे और उसमें हमने उनकी पूरी बात सुनी है। साथ में यह बताया गया है कि जो पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है और जो बची हुई कार्रवाई है उसको भी समय सीमा में पूरा करके चालान माननीय न्यायालय में घोषित किया जाएगा। इसमें हमने जो विशेष अनुसंधान का एक दल भी गठित किया गया है जो साक्ष्य को संकलित करेगा और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम इसमें जो आरोप पत्र है वो माननीय न्यायालय के समक्ष घोषित करेंगे। इसमें जो जितनी भी इस प्रकार की इमोवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनका हम पूरा सर्वे करा करके और इसकी जानकारी को हम नगर निगम के साथ में शेयर करेंगे और उसके आधार पर जो भी कार्रवाई है वो रिमूवल की है, जो भी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक छात्रा के बैग में से रुपए चोरी हो गए। इस पूरे मामले की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना पहले भी कई बार सामने आ चुकी है। पूरा मामला इंदौर के सहितागंज थाना क्षेत्र का है। सहितागंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक छात्रा ने थाने पर आकर शिकायत दर्ज करवाई कि वहां अपने घर से बैग में 50,000 रुपए लेकर कॉलेज की फीस भरने के लिए जा रहा था। इसी दौरान वहां अपने घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचा तो एक युवक ने लिफ्ट के लिए उसे हाथ दिया, क्योंकि युवक काफी गरीब तरह नजर आ रहा था तो युवक ने उसे लिफ्ट दे दी और कुछ ही दूरी पर ले जाकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद जब छात्र ने अपने बैग में से रुपए देखे तो वहां गायब हो गए थे। इसके बाद छात्र ने अपने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जिस युवक को उसने लिफ्ट दी थी उसी जगह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद छात्र ने पूरे मामले की शिकायत थाने में आकर शिकायत कर दी। वहीं पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। आयुष कोरवाल नाम का लड़का है, वो मधुमिलन चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था। सिग्नल पे खड़े होने के बाद उसके पास एक आदमी लिफ्ट मांगने आया कि मेरे को छावनी चौराहे पे छोड़ दें, तो उसके साथ बैठा और छावनी चौराहे पे उतार गया। जब उसने खोल के देखा तो वो उसके बैग से, बैग में जो पीछे बैग रखा था कैरी बैग, उसमें 50,000 रुपये गया। वो बच्चा फीस भरने जा रहा था, उसको धारा 379 का मुकदमा दर्ज करके विवेचना में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच की जा रही। बदमाश किधर से किधर गए थे, कितने संख्या में थे बदमाश? एक अकेला है, वो जो है मधुमिलन चौराहे पे मिला था इसको, तो वहाँ से लिफ्ट लिया है और उसके बाद छावनी चौराहे पर उतर के भाग गया है। वो भागते हुए सीसीटीवी में भी आया। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर इलिया राजा टी द्वारा विकलांगों को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जिसके तहत कलेक्टर पहली मंजिल के जनसुनवाई स्थल से ग्राउंड फ्लोर पर मौके पर ही पहुंचकर विकलांग की समस्याएं सुनी और कलेक्टर ने आज बताया कि जरूरतमंद विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित आर्थिक रूप से मदद करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं में विकलांगों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं स्कूटी भी कलेक्टर कार्यालय से लगातार जरूरतमंद विकलांगों को दी जा रही है, जिसके तहत आज भी करीब 20 से 25 आवेदक स्कूटी के लिए आए हैं, जिन्हें एक मापदंड के तहत स्कूटी प्रदान की जाती है। कलेक्टर ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन योजनाओं पर कार्य हो रहा है। वहीं कलेक्टर के अनुसार एक महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के साथ ही बैंक से 1 लाख रुपए का रोजगार लोन भी देने को लेकर कार्रवाई की गई है। वैसे जैसे हम लोगों ने ऊपर भी सुन रहा है, बट उसके बाद हम लोगों ने एक दिव्यांग को ज़्यादा टाइम ना वेट ना करना पड़े, उसको जल्दी सुनवाई हो और उनको ऊपर भी नहीं जाना पड़े, उसके लेकर हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में सुनवाई शुरू की है। उसमें काफ़ी आई थिंक प्रॉब्ली 50-60 ऐसे दिव्यांग को ऊपर ना सुनवाई की हम लोग। मोस्टली ऐसे अभी हम लोग ना लगातार स्कूटीज दे रहे थे, उसके लिए आवेदन आए, उसका हम लोग एक मापदंड बनाया है कि ना 70% के ऊपर है ना दिव्यांग है उनको प्रायोरिटीज़ दे रहे, या फिर कोई विधवा महिला है, कोई सिंगल मदर है, इस प्रकार का जॉब की ना कर रहा है बट उनका इश्यूज़ हैं, उन लोगों के लिए दे रहे हैं। आज भी प्रॉबली 20-25 के ऊपर है ना अप्लीकेशन से ना आए हैं, उन सभी को हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जल्दी ही है ना उनको है ना करेंगे। अभी है ना रिसेंटली हम लोगों ने 77 गाड़ी दिए थे, हमारी यही में कि हम लोगों के ना कॉन्ट्रीब्यूशन से मतलब ऐसे लोगों के रोजगार के ना साधन उपलब्ध हो और उनका मूवमेंट है ना ईसी हो उसका करा रहा है। एक महिला आई थी कि वो ब्लाइंड थी और उनके बच्चे भी है ना इशू था, उनका है ना पति का भी नहीं था, तो उनका हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है ना आवास सैंक्शन कराने के लिए बोला है, उसमें रेड क्रॉस की ओर से 1 लाख है ना मदद किए गए एंड बैंक से लोन कराया जाएगा। उनका ईएमआई है ना उनकी हर महीने ना पे करने सुविधा के हिसाब से ना ईएमआई ना कराया जाएगा। सर, बेरोजगारों के लिए हमने एक केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में भारतीय किसान संघ जिला इंदौर के लोगों द्वारा इंदौर कले बिबिकलट। भारतीय किसान संघ ने इंदौर जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौर और जिला मंत्री धर्मेंद्र चौधरी ने आज बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्याज की कीमत कम करने की मंशा से केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिससे प्याज के भाव मंडियों में कम हो रहे हैं और इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 3 वर्षों से प्याज की फसल में काफी नुकसान उठा चुके हैं, यदि केंद्र सरकार किसानों का भला चाहती है तो प्याज निर्यात पर लगाई गई इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाने का चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सांसदों का घेराव करते हुए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान संघ की योजना अनुसार मालवा प्रांत के सभी 17 जिलों में प्याज निर्यात शुल्क जो इन्होंने केंद्र सरकार ने लगाया है 40% निर्यात शुल्क जो प्याज पे लगाया है, इसके विरोध में सभी जिलों मुख्यालयों में ज्ञापन भारतीय किसान संघ दे रहा है। उसी क्रम में भारतीय किसान संघ इंदौर जिला यहाँ पे ज्ञापन दे रहा है। केंद्र सरकार की जो निर्यात नीति है वो अस्थायी निर्यात नीति है, जो रातों रात किसी भी निर्यात को बंद कर देते हैं या निर्यात शुल्क बढ़ा देते हैं। प्याज किसानों की बात करें, मालवा महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा प्याज का गढ़ माना जाता है। लासनगांव मंडी जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मंडी है, उसके लगभग प्याज इंदौर की चोइथरा मंडी में प्याज पूरे वर्ष भर आता है। उस दृष्टि से यहाँ के किसानों को बहुत बड़ी मार इन्होंने प्याज के निर्यात शुल्क जो 40% निर्यात शुल्क लगाया, इस माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जबकि विगत 3 सालों से किसान प्याज के रूप प्याज में घाटा खा रहा है, उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। इस वर्ष भी प्याज खराब भी हुआ, किसानों का खेत में खराब हुआ, उसके बाद आज 4 महीने उसको संरक्षित रखने के बाद अब किसानों को उसका लागत मूल्य मिलने लगा था। 16-17 रुपये किलो, 18 रुपये किलो प्याज बिकने लगा था, इन्होंने निर्यात शुल्क 40% निर्यात शुल्क लगा दिया, जिससे एक्सपोर्ट बंद हो जाए और मंडियों में भाव गिराकर ये सस्ता प्याज खिलाने के चक्कर में किसानों की जान लेना चाहते हैं।